गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हमारी जो आकलन की प्रवृत्ति है उसमें से साक्षात्कार, साक्षात्कार क्या है इसका अर्थ परिभाषा एवं प्रकार। अर्थ परिभाषा और इसके प्रकार। सबसे पहले साक्षात्कार को समझना आवश्यक है। जैसे कि देखा होगा आपने कि कई बार ऐसा होता है कि हम जब किसी कार्य को करने के लिए जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, उस समय हमें वहां जाकर इंटरव्यू या साक्षात्कार देना आवश्यक होता है। तो यानी जहां पर हम जा रहे हैं उस स्थान पर जाने के पश्चात जो हमसे क्वेश्चन किए जाते हैं, जो प्रश्न किए जाते हैं, वह साक्षात्कार की स्थिति में आते हैं। यानी साक्षात्कार को इंग्लिश में INTERVIEW। साक्षात्कार अंग्रेजी शब्द का हिंदी पर्याय है, अंग्रेजी शब्द का हिंदी पर्याय है। यानी कहा जाए तो साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप। साक्षात्कार को एक उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी उद्देश्य का निर्माण करके या नियोजित करके उद्देश्य को लेकर साक्षात्कार किया जाता है। इसमें दो व्यक्तियों के मध्य परस्पर होने वाले वार्तालाप को दो व्यक्तियों के मध्य होने वाला वार्तालाप, यानी दो व्यक्तियों के मध्य होने वाला जो वार्तालाप होता है प्रश्न उत्तर के माध्यम से, वह साक्षात्कार की श्रेणी में आता है, उसे हम साक्षात्कार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारी बीमारी जानने के लिए हमसे कई सारे प्रश्न करता है, तो वह जो किए हुए जो प्रश्न है वह साक्षात्कार की श्रेणी में आ सकते हैं। इसी तरीके से यदि हम कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उस दौरान जो साक्षात्कार करता है या जो लेने वाला है और देने वाला है उनके मध्य जो प्रश्न उत्तर होते हैं, जो कड़ी होती है उनके मध्य वार्तालाप की जो कड़ी होती है वह साक्षात्कार के अंतर्गत आ सकता है। अब साक्षात्कार जॉब के लिए भी हो सकता है, मनोचिकित्सक के लिए भी हो सकता है और अन्य किसी क्षेत्र में भी हो सकता है। तो यानी कहने का अर्थ यह है कि साक्षात्कार वह उद्देश्यपूर्ण वार्तालाप है जिसमें किसी उद्देश्य को लेकर, उद्देश्य को निश्चित करके उसका आयोजन किया जाता है, उसको हम साक्षात्कार की श्रेणी में ला सकते हैं। तथा ये जो साक्षात्कार है यह दो व्यक्तियों के मध्य या दो व्यक्तियों के बीच में होने वाली वार्तालाप को साक्षात्कार कहा जाता है। अब है इसकी परिभाषा। जॉन डब्ल्यू बेस्ट, यानी जॉन डब्ल्यू बेस्ट जो विद्वान थे उन्होंने कहा है कि साक्षात्कार एक
प्रकार से मौखिक मौखिक प्रकार की प्रश्नावली है। प्रश्नावली है। इसके अंतर्गत उत्तर लिखने वाला या देने वाला, उत्तर लिखने वाला या उत्तर लिखने के स्थान पर आमने सामने की स्थिति में विषय देता है। कहने का मतलब है कि जॉन डब्ल्यू वेस्ट ने कहा है कि साक्षात्कार एक प्रकार से मौखिक प्रकार की प्रश्नावली है, यानी मौखिक रूप से उसमें प्रश्न किए जाते हैं। इसके अंतर्गत उत्तर लिखने के स्थान पर आमने सामने की स्थिति में जो इंटरव्यू दे रहा है वह विषय उत्तर देता है, यानी साक्षात्कार देने वाला और लेने वाला आमने सामने की स्थिति में बैठा होता है तथा मौखिक प्रश्नों के माध्यम से जो है साक्षात्कार लेता है। तो यानी इस प्रकार साक्षात्कार दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली परस्पर वार्तालाप है जो कि उनकी आपसी सहमति के आधार पर बातचीत होती है तथा वार्तालाप होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा कि जो फिल्म इंडस्ट्री में जब फिल्म रिलीज होने वाली होती है उस समय उस फिल्म के बारे में जानने के लिए पत्रकार वगैरह एक्टर्स जो होते हैं उनसे उस फिल्म के बारे में क्वेश्चन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं तथा रिलीज होने से पहले उसके बारे में पता करते हैं। तो उनके द्वारा जो प्रश्न किए जाते हैं वह एक साक्षात्कार के रूप में ही लिए जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे यदि कोई कैदी है या जेल कोई कैदी है, कोई अपराधी है, यदि उनका साक्षात्कार लेना है तो उसमें भी जैसे उनकी जो मानसिक स्थिति है या वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्हें क्यों क्या, इस प्रकार के क्वेश्चनों को पूछकर उनका साक्षात्कार लिया जाता है। इसी प्रकार से जैसे डॉक्टर है जो इलाज करता है उस समय जैसे मनोचिकित्सक है वह यदि इलाज करता है तो वह भी क्वेश्चन आंसर या क्वेश्चन के जरिए प्रश्न पूछता है, प्रश्न पूछने के बाद उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसलिए क्या, ये सारी बातों को वो साक्षात्कार के रूप में लेता है। तो इस प्रकार से जो मौखिक प्रश्न आमने सामने बैठकर जो किए जाते हैं वो साक्षात्कार की श्रेणी में आते हैं। अब है साक्षात्कार के प्रकार। साक्षात्कार को चार प्रकार बताए हैं, चार प्रकार बताए हैं और इन चार प्रकार में भी इनको उपभाग में बांटा है तथा इनके भी उपभाग बताए हैं। सबसे पहले
साक्षात्कार कार्य के अनुसार साक्षात्कार दूसरा है भाग लेने वालों भाग लेने वाले के अनुसार साक्षात्कार तीसरा है संपर्क अवधि के अनुसार संपर्क अवधि के अनुसार और चौथा है साक्षात्कार करता तथा विषय तथा विषय के संबंध तथा अंतःक्रिया के अनुसार अंतःक्रिया के अनुसार ये चार प्रकार के साक्षात्कार बताए हैं। कार्य के अनुसार साक्षात्कार, भाग लेने वाले के अनुसार साक्षात्कार, संपर्क अवधि के अनुसार तथा साक्षात्कार करता तथा विषय संबंध तथा अंतःक्रिया के अनुसार, यानी जो कार्य है काम करने वाले के अनुसार साक्षात्कार, फिर किस तरीके से वो भाग ले रहा है उस भाग लेने के अनुसार, फिर संपर्क की अवधि क्या है, लंबी है या शॉर्ट है उसके अनुसार, और फिर है साक्षात्कार करता जो साक्षात्कार ले रहा है और जो दे रहा है उसके मध्य जो अंतःक्रिया जो बातचीत हुई है उसके अनुसार साक्षात्कार। अब इनके उपभाग है, इसमें कार्य के अनुसार में सबसे पहले आता है निदानात्मक, निदानात्मक उसके बाद है उपचार, फिर है अनुसंधान, अनुसंधान अब निदानात्मक में जैसे यदि इंटरव्यू ले रहे हैं या साक्षात्कार कर रहे हैं तो उसमें जैसे किसी समस्या को समस्या के कारणों का पता लगाया जाता है, उस समस्या के कारणों का पता लगाकर जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर किसी बीमारी को पता लगाने के लिए उसके कारणों को जानेगा, क्वेश्चन करेगा, फिर उसके क्वेश्चन के बाद उसके जो कारण आते हैं उन कारण वह कारण सामने आते हैं और कारण सामने के आने के बाद कारणों का निदान जानने के बाद समस्या की समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई है उन सब को जानने के बाद दूसरा जो आता है इसका उपचारात्मक, यानी जो समस्या हुई है उस समस्या का उपचार कैसे किया जा सकता है, समाधान या उपचार। किसी समस्या को लेकर यदि वो समस्या उत्पन्न हुई है तो उसके बाद उसका उपचार कैसे करना है, समाधान कैसे करना है, उसका हल निकालना। फिर आता है अनुसंधान, तीसरा
अनुसंधान यानी रिसर्च, रिसर्च के आधार पर उसका उपचार करना, समाधान करना। तो ये कार्य के आधार पर निदानात्मक, उपचार तथा अनुसंधान, ये तीन इसके रूप बताए हैं। फिर है भाग लेने वालों के आधार पर, जैसे सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से, और दूसरा इसमें व्यक्तिगत रूप से। अब भाग लेने वालों के अनुसार में जैसे सबसे पहले सामूहिक, सामूहिक यानी जो साक्षात्कार हो रहा है उसमें एक से दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, दो से तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं और दस भी हो सकते हैं। तो वो भाग लेने वालों के अनुसार जब सामूहिक रूप से एक साथ मिलकर दो से अधिक, एक से अधिक क्या, दो से अधिक व्यक्तियों का जब एक साथ प्रश्न पूछे जाते हैं वह सामूहिक रूप से साक्षात्कार माना जाता है या साक्षात्कार होता है। फिर आता है व्यक्तिगत रूप से। व्यक्तिगत रूप से आशय है कि एक ही समय में एक ही व्यक्ति का जब इंटरव्यू लिया जाता है या साक्षात्कार लिया जाता है या प्रश्न किए जाते हैं वह व्यक्तिगत रूप से होता है, यानी पर्टिकुलर किसी एक ही व्यक्ति का साक्षात्कार करना। उसके बाद है तीसरा जो इसका है, संपर्क की अवधि के अनुसार दीर्घ काली या अल्पकालीन, अल्पकालीन। अब जो साक्षात्कार की जो अवधि है वह लंबे समय तक की है या फिर कम समय तक की है। तो यानी जो है साक्षात्कार की जो अवधि है, संपर्क की जो अवधि है वह कितने समय तक की है, इसमें दो ही हो सकती है, या तो दीर्घकालीन हो सकती है या फिर अल्पकालीन, थोड़े समय के लिए साक्षात्कार हो सकता है या फिर लंबे समय तक भी चल सकता है। उसके बाद आता है साक्षात्कारकर्ता तथा विषय के संबंध में तथा अंतरक्रिया के अनुसार साक्षात्कार, यानी इसमें केंद्रित
संग्रह कार्य। साक्षात्कार, साक्षात्कार का अर्थ तथा परिभाषा बताते हुए इसके प्रकार बताइए। साक्षात्कार का अर्थ तथा परिभाषा बताते हुए इसके प्रकार बताइए। अब जैसे हम सभी जानते हैं कि कोरोना टाइम चल रहा है तथा इससे बचाव के कुछ उपाय कर सकते हैं तथा इन छोटे छोटे उपायों द्वारा ही इस महामारी से छुटकारा पाया जा सकता है। जैसे हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, साबुन से धोना तथा सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए किसी भी व्यक्ति से 6 फीट की दूरी बनाए रखें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।